हेलो एवरीवन, बिफोर आई जंप ऑन टू द टॉपिक, आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी है, दिखाना है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने लिया है DJI Osmo Pocket 3। नाउ ऑफ कोर्स इरादा तो यह है कि इससे वी लॉगिंग शी लॉगिंग की जाए, बाहर निकला जाए और ट्रैवल किया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए हाउ आई परस्यू माई ट्रैवल फोटोग्राफी यू नो प्रोजेक्ट्स। तो उस चक्कर में ये लिया है मैंने। हालांकि मेरे पास GoPro भी है और Osmo Pocket 2 भी है मेरे पास, बट क्योंकि सुना है इसकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो उस चक्कर में मैंने ये ख़रीदा। अभी तक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, बट आगे जब भी आप कोई वीलॉग देखेंगे तो आप ये मान लीजिएगा कि वो Osmo Pocket 3 से शूट हुआ है, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मैं बता भी दूंगा ये किस चीज़ से शूट हुआ है। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, मेरे को बस आपसे शेयर करना था कि मैंने लिया ये। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया है, कि कैसे आप अपने आप की फोटोग्राफी को एक दूसरे लेवल पर लेके जा सकते हैं बाई जस्ट चैलेंजिंग योरसेल्फ। नाउ इसको क्लियर करने के लिए मैं दो एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे इन दो सिचुएशंस में, इन दो एग्जांपल के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को कैसे अप किया, एक लेवल ऊपर लेके गया। नाउ पहला एग्जांपल है लाइफस्टाइल फोटोग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि मुझे लाइफस्टाइल फोटोग्राफी करने का बहुत शौक है। नाउ जिन लोगों को लाइफस्टाइल फोटोग्राफी नहीं पता है उनको मैं बता दूं, लाइफस्टाइल फोटोग्राफी एक बहुत ही स्पेसिफिक जॉनर ऑफ फोटोग्राफी है, जो कि आप कह सकते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का भी एक नीच है, उसके अंदर भी एक सब कैटेगरी आती है। तो कई बार एडवर्टीजमेंट में जब आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में एड्स देखते हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल LIC का ऐड है, कोई लाइफ इंश्योरेंस का ऐड है, तो उसमें आपने देखा हो कोई एल्डरली कपल बैठा हुआ है इजी चेयर पे, हाथ में कॉफ़ी है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, और वो नीचे कोई पॉलिसी का एडवर्टीजमेंट है या हेल्थ इंश्योरेंस का एडवर्टीजमेंट है, जो जिसका कैप्शन कुछ भी हो सकता है कि आपके बुढ़ापे तक आपके साथ रहे या जो भी है, और वो फोटोग्राफ उस स्टोरी को बयान कर रही है, तो इसको हम लाइफस्टाइल की कैटेगरी में डालते हैं। सिमिलरली कोई रेस्टोरेंट का फोटोशूट हो रहा है जहाँ पे टीनेजर्स पिज्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं, यू नो, और इट इज़ बेसिकली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी विद इमोशंस एंड कैंडिडनेस इन देम, जो कि ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल होती है। तो मुझे लाइफस्टाइल फोटोग्राफी में इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, क्योंकि वहाँ पे आपको पिक्चर को कॉन्सेप्चुलाइज करने का मौका मिलता है। पिक्चर जिससे पहले शूट हो उसके पहले ही आपके विजन में वो फोटोग्राफ होनी चाहिए कि मुझे इस तरीके का फोटोशूट करना है या इस तरीके की फ़ोटोग्राफ चाहिए मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो उसको करने में, उस प्रोसेस को करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। ऑब्वियसली जब रिजल्ट आता था तो और भी ज़्यादा मज़ा आता था, बट वो जो प्रोसेस होता है कॉन्सेप्ट बनाने का और फिर उससे रिलेटेड चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह लेके आना और उस तरीके की लाइटिंग करना ताकि जो आपने सोचा है दिमाग में वो फोटोग्राफ को आप अचीव कर लें, ये मुझे लगता है आप लाइफस्टाइल फोटोग्राफी में बखूबी कर पाते हैं। तो पास्ट में मैंने कुछ वीडियोज़ में ये शेयर किया है कि किस तरीके से मैं ट्रैवल फोटोग्राफी जॉनर में मैंने एंटर किया, और जब मैं कई ट्रैवल कंपनीज के एडवर्टीजमेंट देखता था तो मुझे मौका मिला बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप फ़ोटोशूट करने का, बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्टी स्पॉट्स पे जाके उनको फ़ोटोग्राफ करने का, कल्चर को फ़ोटोग्राफ करने का। बट जब भी मैं कोई ट्रैवल मैगजीन में या किसी भी न्यूज़पेपर में किसी ट्रैवल कंपनी का ऐड देखता था और देखता था उसमें कपल इंजॉय कर रहा है, फैमिली इंजॉय कर रही है, वाटर पार्क में है और बीच पे है, दे आर हैविंग फन, इस तरीके के शॉट्स नॉर्मली ट्रैवल कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट में यूज़ करती थी, तो मुझे लगता था यार ये चीज़ करने में बड़ा मज़ा आने वाला है। हालाँकि वो मैंने कभी किया नहीं था, बट मुझे ये पता था कि ये अगर मैं करूँगा तो इसमें मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे शॉट्स मुझे पहले से ही प्लान करना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके का ना शॉट चाहिए, और ये प्रोसेस करने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैंने, जब मेरे पास एक कैंपेन शूट आया ट्रैवल कंपनी का जिसमें वो चाहते थे कि एक फैमिली हो या कपल हो वो एक्सपीरियंसेस ले रहा है वेरियस डेस्टिनेशंस पे जाके, उनको इन्जॉय कर रहा है और वो उनको शॉर्ट्स यूज़ करने हैं अपने एडवर्टीजमेंट में डिजिटल मीडिया पे, तो मैंने सोचा यार दैट्स इट, ये करने में बहुत मज़ा आने वाला है। और मैंने वो काम कभी नहीं किया था, वो मेरा पहला सीरियस प्रोफेशनल फ़ोटोशूट था, आप बिलीव करेंगे, जहाँ पर मैंने छोटी सी छोटी चीज़ सीखी खुद और उसको उस लेवल पे लेके गया जहाँ पे यू कैन से कि जो फोटोग्राफर्स उस चीज़ को पहले से करते आ रहे हैं, प्रोफेशनली करते आ रहे हैं, उनकी टक्कर के, उनके लेवल के मैंने शॉट्स निकालने की कोशिश करी वहाँ पे। और छोटी सी चीज़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इस तरीके के शूट पे मैंने आउटडोर लाइटिंग को कैसे कंट्रोल करना है, आर्टिफिशियल लाइट्स जैसे कि ये जल रही है,
कैसे इनको आउटडोर कंट्रोल करना है, किस तरीके की लाइट लगेगी मुझे सन को ओवरशैडो करने के लिए, ये सारी टेक्निकलिटीज़ मैंने इन शूट्स पे सीखा और इनको एग्जीक्यूट किया। तो बेसिकली मैंने अपने आप को चैलेंज किया यहाँ पे कि ये शूट मैं कर सकता हूँ, क्योंकि टेक्निकली मुझे नॉलेज तो है, शटर स्पीड, ISO, अपर्चर कैसे काम करता है, मेरे पास विजन है, मुझे पता है मुझे किस तरीके के शॉट्स चाहिए, वो दिखने में कैसे होने चाहिए, अगर एक कपल इन्जॉय करेगा तो किस तरीके के एक्सपीरियंसेस को वो लेगा अपने ट्रैवल में, वो शॉट्स कैसे निकल के आएंगे, या एक फैमिली इन्जॉय करेगी तो वो शॉट्स कैसे निकल के आने चाहिए। तो वो शॉट्स को प्लान करने में जो मुझे मज़ा आया और जो क्रिएट करने में मज़ा आया बाई यूजिंग नो वेरियस नो एक्सटर्नल लाइटिंग्स, आउटडोर लाइटिंग करने में, वो मैंने वहाँ से सीखा कि बाहर जब आप आउटडोर लाइट्स को इस्तेमाल करते हैं तो कितना मज़ा आता है उस चीज़ को करने में। ट्रस्ट मी, आज मुझे अगर कोई बोलता है कि बाहर सनलाइट में शूट करना है तो मेरे को ऐसा लगता है बिना लाइटिंग के तो मैं कर ही नहीं सकता, तो मुझे लाइटिंग यूज़ करने में इतना मज़ा आ रहा था बाहर। तो वो शूट मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, दो फेजेस में वो शूट हुआ था। एक पहले कपल के साथ, जहाँ पे हम एक कपल के साथ राजस्थान गए, कपल मतलब मॉडल्स के साथ, एंड देन वी शॉट देम इन दी बैकड्रॉप ऑफ राजस्थान, हैविंग नाइस एक्सपीरियंसेस। फिर हमने एक पूरी फैमिली को लिया, उसको हम कुल्लू मनाली लेके गए, दे आर ऑल मॉडल्स। हमने पूरे शॉट्स पहले प्लान किए दिल्ली में, फिर हम ट्रैवल करके हम गए और वहाँ पे हमने इन शॉट्स को एग्जीक्यूट किया, और ट्रस्ट मी जो रिजल्ट निकल के आया दैट वॉज मेरे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड था, बिकॉज मैंने जो प्लान किया था उससे कहीं ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकल के आया। सो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने एक चैलेंज मेरी तरफ आया, उसको मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट किया, और फिर उस चैलेंज के लिए पहले प्रिपेयर किया अपने आप को, प्रिपेयर करने के बाद मैं उस शूट को मैंने एग्जीक्यूट किया, और जो रिजल्ट निकल के आया दैट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। ऐसा मैं अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो भी शॉट्स मैंने प्लान किए थे दिल्ली में वो रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे जाके वो उससे भी बेटर निकल के आए जो मैंने सोचे थे। तो इस चैलेंज के थ्रू मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीखा फोटोग्राफी का, टेक्निकल एस्पेक्ट सीखा कि आउटडोर लाइटिंग को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा मैंने शॉट्स को प्लान करना सीखा, विजन मेरी और उसमें क्लैरिटी आई कि पहले से ही कैसे सोच लेना है कि ये शॉट इस तरीके से निकल के आना चाहिए और फिर उसकी तरफ काम करना चाहिए। ये जो पूरा प्रोसेस है इसने मेरी फोटोग्राफी को एक लेवल अप कर दिया। दूसरा मौका मुझे मिला जब पैनासोनिक का एस सीरीज फुल फ्रेम कैमरा लॉन्च हो रहा था, तब मैंने एक आइडिया पैनासोनिक से शेयर किया कि क्यों ना हम लद्दाख में जाके एक प्री वेडिंग शूट करें मॉडल्स के साथ और विद आउटडोर लाइट्स एंड एवरीथिंग। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था, मैंने कभी किया नहीं उस चीज़ को। एक तो एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम टेम्परेचर में मार्च के महीने में, जो भी लद्दाख गया होगा उसको पता है कि मार्च का महीना भी कोई गर्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इनफैक्ट कुछ शॉट्स में आपको दिखेगा नहीं बट -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमारे मॉडल्स ने वो शूट नो शॉट दिया है हमें, और उसकी प्रिपरेशन हम पहले दिल्ली में करी, फिर हम लद्दाख गए, लेह में करी, काफ़ी प्रिपरेशंस लगी, लाइट्स पहुंची वहाँ पे, आउटडोर लाइट्स यूज़ हुई हैं, सारी आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ हुई हैं, तो वो शॉट्स में भी नज़र आता है कि ये सारे वेल प्लान्ड शॉट है। तो इधर मैंने अपनी लाइफस्टाइल फोटोग्राफी को एक लेवल और लेके गया बाय चेंजिंग द ज्योग्राफी। मैं पहले नीचे शूट कर रहा था ग्राउंड नीचे से, मेरा मतलब प्लेन्स में, फिर मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यार एक ऐसा ही शूट लद्दाख में भी होना चाहिए, क्योंकि वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस हमेशा से रही है एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर। 27-28 बार मैं लद्दाख होकर आ चुका हूँ, बट मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है यार यहाँ पे एक तगड़ा फैशन शूट या प्री वेडिंग शूट या एक लाइफस्टाइल शूट ज़रूर होना चाहिए इस लोकेशन पे। तो वो मुझे करने का मौका मिला। तो इस ये जो सेकेंड चैलेंज था, इससे मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि ऑफकोर्स कि हार्श लाइटिंग कंडीशन में, हार्श सनलाइट में आउटडोर लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स कितना बखूबी काम कर सकती हैं। दूसरा, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, ये मेरे को और भी ज़्यादा समझ में आया जब हम लद्दाख में गए कि इनकी कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एंड ऑफकोर्स आपकी ओवरऑल टीम अगर अच्छी हो, मॉडल्स इतने सपोर्टिव थे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी उन्होंने सपोर्ट दिया, जो भी शॉट्स चाहिए थे वो शॉट्स के लिए पोज किए। तो एक टीम का अच्छा अगर हो
तो फिर वो रिजल्ट पे भी नज़र आता है। ये मुझे उस शूट से समझ में आया कि अब जब भी कोई नया कैंपेन शूट या लाइफस्टाइल शूट या किसी भी इस तरीके का लेवल का शूट मेरे पास आएगा, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके लिए जो मुझे चाहिए वो एक चाहिए बहुत अच्छी टीम। मेरे अकेले की बस की बात नहीं है इस तरीके के शॉट्स निकालना, एक टीम, अच्छी टीम होगी देन वी कैन पुल आउट रियली रियली नाइस शॉट्स। थर्ड चैलेंज जिसका मैं बरसों तक इंतज़ार करता रहा वो मेरे एविएशन फोटोग्राफी से रिलेटेड था, और वो था कि मुझे, क्योंकि मैं एविएशन फोटोग्राफी पहले करता था एंड देन ग्रेजुअली आई गॉट इनटू एविएशन फिल्म मेकिंग, तो मेरा ये ड्रीम था कि यार एक बार एक एयरक्राफ्ट में बैठ के, कॉकपिट में बैठ के एयर टू एयर फिल्म करना है। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था। तो ये चैलेंज आप कह सकते हैं कि ये जो चैलेंज है मैंने खुद अपने लिए क्रिएट किया। एक हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कॉरपोरेट शूट आया एंड देन वी डिसाइडेड कि अब हम ऑथेंटिक फुटेज इसमें निकालेंगे। आई विल गेट ऑन टू अ एयरक्राफ्ट उसकी कॉकपिट में और वील फ्लाई एंड वील फिल्म एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट, वन एयरक्राफ्ट टू अनदर एयरक्राफ्ट, और ऐसे ही हम हेलीकॉप्टर्स के साथ करने वाले। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अगर जिन लोगों को नहीं पता है, दे मेक हेलीकॉप्टर्स एंड फाइटर जेट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस, नॉट जस्ट इंडिया बट बाहर की फोर्सेस के लिए भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनको एक फिल्म बनवानी थी अपनी, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम इसमें कुछ फुटेज तो एयर टू एयर के डालेंगे और ये हम खुद ही शूट करेंगे। और वो एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी क्योंकि आप बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हैं, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, और ऐसा भी नहीं कि हर कोई जाके कॉकपिट में कैमरा लेके बैठ सकता है। यू हैव टू अंडरगो अ मेडिकल टेस्ट, उसको क्लियर करना होता है एंड देन यू आर सपोज टू एंटर इनसाइड द कॉकपिट, और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स भी होते हैं, बहुत सारी ब्रीफिंग्स होती हैं कि कल को कुछ अनहोनी हो जाए तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, ऑल दोज थिंग्स। तो वो भी बहुत एक्साइटिंग मेरे लिए रहा, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना भी मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग रहा। और उस चैलेंज के बाद आई थिंक आई हैव मैच्योर्ड मोर एज अ फोटोग्राफर। आई हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि इस लेवल के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका जो सपोर्ट स्टाफ है, आपकी जो सपोर्ट टीम है, उसका भी अपने काम में माहिर होना बहुत ज़रूरी है। तो इवन इफ़ यू आर डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी, ट्रस्ट मी, अगर आपकी टीम में अच्छे लोग हैं, आपका एडिटर अच्छा है, आपके असिस्टेंट फोटोग्राफर्स अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, और सबको एक दूसरे की वीकनेस पता है और सब एक दूसरे की वीकनेस कवर करना भी जानते हैं अपने स्ट्रेंथ्स के थ्रू, देन इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। वो प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स हमेशा अच्छे निकल के आएंगे, चाहे आप वेडिंग फोटोग्राफी करें, चाहे आप ट्रैवल फोटोग्राफी करें, चाहे आप एविएशन करें, चाहे आप लाइफस्टाइल करें। तो कोशिश करिए, अगर आपको लगता है कि अब आप अपनी फोटोग्राफी से बोर हो रहे हैं, अब आप वही घिसी पिटी चीज़ कर रहे हैं, तो फाइंड अ चैलेंज फॉर योरसेल्फ, अपने लिए एक नया चैलेंज ढूंढिए, और उस चैलेंज से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी अगर आपके को नहीं मिल रही है तो क्रिएट करने की कोशिश करिए। ट्रस्ट मी, जब भी आपके पास ऐसा कोई चैलेंज आता है और आप कॉन्फिडेंटली उसको एक्सेप्ट करते हैं, यू विल ऑलवेज ग्रो एज अ फोटोग्राफर। अगर आपके सामने कोई चैलेंज आ भी रहा है तो उससे भागिए मत, उसको हेड ऑन उसको लीजिए और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, एटलीस्ट कोशिश करिए। आप कोशिश करेंगे तो कम से कम ये रिग्रेट नहीं होगा कि आपने ट्राई नहीं किया। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और क्या देखना आप पसंद करेंगे। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो होपफुली नेक्स्ट टाइम। कोई वीलॉग मैं बनाऊँ इस कैमरे से, DJI Osmo Pocket 3 जो मैंने अभी लिया है, आई डोंट नो, मैं ट्राई करूँगा टू अपलोड सम वीलॉग्स, बिकॉज मुझे वीलॉग बनाना बहुत पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिल पाता, टाइम नहीं निकल पाता, बट आई ट्राई माई बेस्ट अगेन। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ, एंड कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ, राइट।